श्रीमद्भागवत का श्रवण, इन कार्यकर्ताओं का सम्मान। अब उसके साथ साथ कुछ बातें और जुड़ गई जिसका वर्णन अभी श्रीमान काले जी ने आपके समक्ष किया, वो जुड़ती गई और उसमें मुझे आनंद भी है। लेकिन इतना जब करना है तो उसके लिए अधिष्ठान भी वैसा होना चाहिए, इसलिए मैंने आग्रह किया और हमारे श्रद्धेय सरसंग चालक जी यहां पर पधारे। मेरे लिए यह अत्यंत बड़ी बात मुझे लगती है। संघ की ओर हम कैसे देखते हैं? देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाला वह विश्वविद्यालय है, यही एकमात्र मेरी धारणा है। यदि देशभक्ति पढ़नी है तो कहां जाया जाए? संघ में जाया जाए। ओपन यूनिवर्सिटी, और इसलिए जब विराट की आराधना करने का हमारा पर्व अब चल रहा है इस अमृत वर्ष में, तो उसके लिए शुभकामना प्रदान करने हेतु आपका शुभागमन आवश्यक था। साथ साथ अन्य अन्य अनेक संत महात्मा पधारेंगे और मेरे ऊपर अमृत का सिंचन करेंगे। ऐसा लगता है जीवन में कुछ कुछ स्वर्ण के कण प्राप्त कर लिए, अब कुछ स्वर्ण के कण जो प्राप्त करने हैं इस अमृत वर्षा से मुझे प्राप्त हो जाएंगे, मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का जीवन धन्य होगा। यह अत्यंत अनुकूल इस प्रकार का पर्व प्राप्त करने के लिए मैं भगवान ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज से लेकर के सारी संत परंपरा का साष्टांग अभिवादन करता हूं। और एक पंक्ति बोल देता हूं जो मैं आज रोज गुनगुनाते रहता हूं, देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की जय।